मध्य प्रदेश के पवई से 1 किलोमीटर दूर पत्नी नदी के किनारे विराजमान मां कलहेरी सभा की आस्था का केंद्र है। चैत्र नवरात्रि हो या फिर शारदीय नवरात्रि पर लाखों की संख्या में भक्तगण दूर दूर से मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बता दें कि पूरे 9 दिन मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा। पंचमी एवं अष्टमी को विशाल महाआरती होगी। प्रतिपदा हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो गया है, इसी के साथ चैत्र नवरात्रि का आज प्रथम दिवस है। प्रथम शैलपुत्री आज इनका प्रथम दिवस है। यहाँ पे माँ कलही के दरबार में बुंदेलखंड ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ दूर दूर से भक्तों का आना जाना लगा रहता है। आज प्रथम दिवस से ही सुबह 4 बजे से महिलाओं का आना, जल चढ़ाना और माता की पूजा अर्चना करना प्रारंभ हो गया है। भक्त यहाँ पर अनेक मनोकामनाएं लेके आते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए, परीक्षा में सफलता के लिए, विवाह के लिए और जो भी उनकी मनोकामना होती है मनोवांछित उनको फल देती है। यहाँ पे पंचमी में विशेष आरती होती है, अष्टमी में महाआरती होती है, प्रसाद वितरण होता है, भक्त लोग कथाएँ भंडारा यहाँ पे करते हैं, कन्या भोज यहाँ पे बृहद रूप में होता है और माँ पत्नी का जल लेकर माँ को समर्पित करते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। ये आपको पीछे पहाड़ी दिख रही होगी, यहाँ पे माँ विराजमान थी और भक्ति के अन्य विनय पर यहाँ पे माँ चलकर आई है, यानी ये चलित प्रतिमा है, स्थापित प्रतिमा नहीं है, चलित प्रतिमा है।